टाइटैनिक, ये नाम सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं। सामने आती है एक भयानक फिल्म जिसमें पलक झपकते ही सैकड़ों जानें समुद्र की गहराई में समा जाती है। इसके अलावा फिल्म में दिखाई जाती है एक बेहद खूबसूरत कहानी जिसमें एक मामूली सा लड़का और एक हाई प्रोफाइल लड़की जो कि एंगेज है, दोनों में प्यार हो जाता है। ये फिल्म साल 1997 में रिलीज हुई थी। फिल्म की लव स्टोरी सच्ची थी या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन इसी फिल्म की दूसरी कहानी 100% सच्ची थी जिसमें उस वक्त के सबसे विशालकाय जहाज को टूटते और डूबते हुए दिखाया जाता है। वो जहाज जिसे बनाते वक्त दावा किया गया था कि ये कभी डूबेगा नहीं, लेकिन वो डूबा और अपने साथ 1500 से ज्यादा मासूम लोगों को भी ले डूबा। वो लोग उस शाम अपनी जिंदगी के सबसे हसीन सफर में खोए थे। वो नहीं जानते थे कि ये हसीन सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज से ठीक 113 साल पहले एक अंधेरी रात में टाइटैनिक जैसा विशालकाय जहाज एक आइसबर्ग से टकराकर टूट गया था और डूब गया था। उस अंधेरी रात के रोमांचक सफर पर निकले यात्री तब नींद के आगोश में खोए थे, लेकिन बर्फ की विशाल चट्टान से टकराते ही उनकी वो मीठी सी नींद एक खौफनाक मंजर में बदल गई। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वो मौत से लड़ते रहे, लेकिन जमा देने वाले बर्फ से ठंडे पानी के आगे किसी का जोर नहीं चला। बताया जाता है कि हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा था, वो भी उस रास्ते में जहाँ कई बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद थे। जहाज के कैप्टन को ये बात पता थी, फिर भी वो जहाज को तेज रफ्तार से दौड़ाता रहा। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था, मगर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात आइसबर्ग से टकराते ही महज 3 घंटे के अंदर विशालकाय टाइटैनिक जहाज अटलांटिक ओशन में समा गया। उस दौर में जिस जहाज के कभी न डूबने की चर्चा थी वो डूब गया। जहाज तो डूबा ही, साथ ही करीब 1500 लोग भी मारे गए जो अपनी जिंदगी के सबसे हसीन सफर पर निकले थे। अब इस हादसे को 112 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये क्यों डूबा, कैसे डूबा, इससे जुड़े राज आज भी समुद्र की गर्त में समाये हैं। आज भी इसे सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी समुद्री हादसा माना जाता है। अटलांटिक ओशन में जिस जगह ये जहाज डूबा था वहां से आज तक टाइटैनिक के मलबे को निकाला नहीं जा सका है। हालांकि कोशिशें तो बहुत की गई हैं, लेकिन समुद्र में करीब 4000 मीटर की गहराई से इतने विशालकाय जहाज के मलबे को निकालना आसान बात नहीं है। अब एक्सपर्ट्स की माने तो हादसे के बाद टाइटैनिक कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर पानी में डूबते वक्त 2 हिस्सों में टूट गया था। टूटने के बाद दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए और 3843 मीटर की गहराई में समा गए थे। दुनिया के बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स के लिए टाइटैनिक के डूबने की कहानी आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है, जिसे सुलझाने की तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन वो सब नाकाम रहीं। फिर भी कुछ थियोरी ऐसी हैं जिन्हें जानकर शायद आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि टाइटैनिक हादसा कोई दुर्घटना थी या गलती, या फिर अंग्रेजों का अपनी तकनीक को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस जिसने बेचारे 1500 से ज्यादा लोगों को बेवक्त बेवजह काल का ग्रास बना दिया था। थियोरी नंबर 1, कभी नहीं डूब सकता टाइटैनिक। उस दौर में टाइटैनिक अपने आप में इतना विशाल और तकनीक के मामले में एडवांस बनाया गया था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कभी डूब ही नहीं सकता। साक्षात भगवान भी आ जाए तो टाइटैनिक को डुबा नहीं सकते। उनके इस दावे की कई वजह थी। रियो डी जेनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल ओशन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और इंजीनियर अलेक्जेंडर दपिन्हो अल्हो ने बताया, इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो ये डिजाइन के आधार पर बनाया गया पहला जहाज था। इसमें कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। इसका मतलब ये था कि अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वो दूसरे कमरे को डुबो नहीं सकता था। हालांकि जहाज को बनाते वक्त कुछ मुश्किलें भी पेश आई थी, जैसे कि जहाज की ऊंचाई कितनी रखनी है जिससे बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहे। प्रोफेसर अल्हो का कहना है, इस बात पर काफी गहराई से मंथन करने के बाद टाइटैनिक के मेकर्स ने इसकी ऊंचाई तय की थी। जहाज में पानी भरने की कंडीशन में उन्होंने अनुमान लगाया था
कि पानी छत की ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसके लिए उन्होंने छत पर भी सेफ कंपार्टमेंट्स बनाए थे। लेकिन प्रोफेसर आलो के मुताबिक जहाज को बनाते वक्त किसी ने भी रास्ते में आने वाले आइसबर्ग या इससे जोरदार टक्कर के बारे में सोचा नहीं था। आलो की माने तो वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि टाइटैनिक की मेन बॉडी में काफी लंबा सुराख हो गया और पानी काफी तेजी से छत तक पहुंच गया था। आलो ने बताया था कि जहाज में पानी पूरी तेजी से भरता जा रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन बचना मुश्किल था। पानी निकालने के लिए सभी पंपों को एक्टिव किया गया होगा, लेकिन जिस रफ्तार से पानी अंदर आया था उस रफ्तार से उसे बाहर नहीं फेंका जा सकता था। थियरी नंबर 2, टाइटैनिक बनाने में इस्तेमाल मेटल की कमी। समुद्री जहाज बनाने वाले कुछ सिविल इंजीनियर्स बताते हैं कि जब टाइटैनिक बन रहा था तब उसका प्रमोशन इस तरह से किया गया था कि ये कभी डूब नहीं सकता। इसकी वजह थी बहुत सारे तहखाने जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। मेकर्स के मुताबिक तहखाने की दो कतारों में पानी भरने के बाद भी जहाज डूब नहीं सकता था, लेकिन अचानक सामने आए आइसबर्ग से टकराने के बाद जहाज की बॉडी को काफी नुकसान हुआ और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की दीवारें टूट गई या उनमें दरारें आ गई। एफएफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ऑरिलो सोरास मूर्ता ने दावा किया कि टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट को बंद करने की तकनीक भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। साथ ही उस वक्त जहाज को बनाने में इस्तेमाल की गई धातु मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। प्रोफेसर सोरास के मुताबिक आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक का ढांचा ही बदल गया था। उसके दरवाजे फंस गए थे, वो ठीक से बंद नहीं हो रहे थे। हालांकि उस वक्त भी टाइटैनिक प्योर स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। इसी तरह साओ पॉलो के मैकेंजी प्रेस्बाइटेरियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मेटलर्जी के इंजीनियर जॉन वेतावुक इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। 1940 के समय तक समुद्री जहाजों की मेन बॉडी मेटल शीट से बनती थी। बाद में इनकी बॉडी बनाने में मेटल को पिघलाकर इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी काफी बदल गई है। अब मेटल को पिघलाकर शीटों को जोड़ा जाता है। स्टील बनाने में भी कार्बन का इस्तेमाल कम करके मैंगनीज का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। आज का स्टील बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसी वजह से आज के समुद्री जहाज पानी और समुद्री लहरों के उतार चढ़ाव और समुद्री तूफानों से तालमेल बिठाने में कहीं ज्यादा सक्षम होते हैं। थियरी नंबर 3, ब्लू बैंड की चाहत ने डुबोया। घटना चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा मशीनों को छोड़कर इंसानों की ही गलती बताई जाती है। टाइटैनिक के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। टाइटैनिक को लेकर रिसर्च कर रहे कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि आइसबर्ग से भरे इलाके से गुजरने के बावजूद टाइटैनिक पर जल्द से जल्द सफर पूरा करने का प्रेशर बनाया गया था। इसकी वजह थी ब्लू बैंड हासिल करना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है ब्लू बैंड, तो सुनिए। ब्लू बैंड के नाम से जहाजों को सम्मान देने का सिलसिला साल 1839 में शुरू हुआ था। ये सम्मान उन जहाजों को दिया जाता था जो अटलांटिक ओशन को सबसे तेजी से पार करते थे। जब टाइटैनिक बना तो इसे ब्लू बैंड सम्मान का सबसे बड़ा और प्रबल दावेदार माना गया। प्रोफेसर आलो की माने तो उस समय में टाइटैनिक को बनाने में सबसे बेहतरीन तकनीक और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त समुद्री जहाज बनाने के लिए इंग्लैंड और जर्मनी की बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच होड़ लगी थी। सबसे विशाल और तेज जहाज को ऑफिशियली ब्लू बैंड मिलता था और किसी भी जहाज के लिए ये उस वक्त सबसे बड़ी अचीवमेंट होती थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी जहाज की सबसे पहली यात्रा के वक्त वो जहाज सबसे बेहतर हालत में होता है। पहली यात्रा में जहाज मैक्सिमम स्पीड कवर कर सकता है और ऐसा ही कुछ टाइटैनिक ने भी करने की कोशिश की थी। उस हादसे में जो लोग बचे थे उन्होंने बताया कि जहाज के कैप्टन को पता था कि रास्ते में आइसबर्ग है, फिर भी उसने जहाज की स्पीड कम नहीं की। वो अटलांटिक ओशन को सबसे कम समय में पार करने का टारगेट लेकर चल रहा था। थियरी नंबर 4, टाइटैनिक के बाद डूबा जायजेंटिक। टाइटैनिक जैसे विशालकाय जहाज को बनाने और चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने 20वीं सदी की शुरुआत में बेलफास्ट शहर के हार्लैंड और वोल्फ शिपयार्ड को 3 बड़े जहाज बनाने का ऑर्डर दिया था। उस वक्त की वर्ल्ड क्लास कंपनीज ने ये तीनों जहाजों को दुनिया के सबसे लंबे, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त बनाया था। उस वक्त उन्हें खूब प्रमोट भी किया गया था। 1908 से 1915 के बीच बने इन तीनों जहाजों को ओलंपिक क्लास के जहाज कहा गया था। पहले 1908 में ओलंपिक और फिर 1909 में टाइटैनिक को बनाने का काम शुरू किया गया, जबकि तीसरे जहाज जायजेंटिक का प्रोडक्शन 1911 में शुरू हुआ था। लेकिन किस्मत देखिए, ये तीनों ही वर्ल्ड क्लास जहाज
किसी न किसी हादसे का शिकार होते रहे। ओलंपिक की सेवा जून 1911 में शुरू हुई थी, लेकिन उसी साल ये एक बैटल शिप से टकरा गया। इसकी मरम्मत की गई और फिर सेवा में लाया गया, और आगे चलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश नौसेना ने इसका इस्तेमाल सैनिकों को लाने जाने में किया। 1918 में ये फिर एक जर्मनी की पनडुब्बी से टकरा गया। 2 साल की मरम्मत के बाद फिर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ और साल 1935 तक ओलंपिक जहाज ने अपनी सेवाएं दी। अब बात करें टाइटैनिक की, तो इस विशाल काय जहाज ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। ये जहाज वाकई इतना विशाल था कि जब इसे साउथहैम्पटन पोर्ट से बाहर भी निकाला गया तो ये एक दूसरे जहाज से टकराते टकराते बचा था। अपनी पहले ही यात्रा पर रवाना होने की 3 दिन बाद टाइटैनिक ऐतिहासिक हादसे का शिकार हो गया था। अब बात तीसरे जहाज यानी जायजेंटिक की, तो बताया जाता है कि जायजेंटिक का भी कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसके बनने के बाद इसका नाम बदलकर ब्रिटानिक किया गया और ब्रिटिश नौसेना ने इसे पहली वर्ल्ड वॉर के दौरान इस्तेमाल में बदल दिया था। लेकिन किस्मत का मारा ये जहाज भी अपने बनने के 4 साल बाद यानी 1916 में डूब गया था। हालांकि उस समय में ये तीनों ही जहाज काफी बड़े थे, लेकिन आज के जहाजों के साथ इनका मिलान किया जाए तो ये काफी छोटे कहलाएंगे। आपको बता दें, टाइटैनिक की लंबाई कुल 269 मीटर थी, जिसमें स्टाफ और पैसेंजर्स को मिलाकर करीब 3,300 लोगों के ठहरने की फैसिलिटी थी, जबकि आज के सबसे बड़े समुद्री जहाज वंडर ऑफ द सी की लंबाई 362 मीटर लंबी है, यानी टाइटैनिक से भी करीब 100 मीटर और लंबा। वंडर ऑफ द सी इतना बड़ा है कि इसमें 2,300 स्टाफ मेंबर्स के अलावा 7,000 पैसेंजर्स एक साथ सफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं थियोरी नंबर 5 की, सिक्योरिटी पैरामीटर्स की अनदेखी। 14 अप्रैल 1912 की रात हुए इस हादसे में करीब 1500 लोगों की जान गई थी, लेकिन हादसे के बाद खामियों का पता लगाया जाने लगा, साथ ही समुद्री जहाजों को और बेहतर बनाया जाने लगा। सुरक्षा के लिए रडार जैसे डिवाइसेस का इस्तेमाल शुरू किया जाने लगा। प्रोफेसर अलहो कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही रडार का इस्तेमाल शुरू हो गया था। उससे पहले सब कुछ इंसानी आंखों के देखने पर ही डिपेंड करता था। एक शख्स को जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से पर बैठाया जाता था, जहां से उसे सामने आने वाले संकट का पता चल सके। खतरे को भांपते ही वो कैप्टन को अलर्ट करता था, लेकिन अगर जहाज का स्पीड ज्यादा है तो ये सारी तिगड़म फेल हो जाती थी। टाइटैनिक के सिक्योरिटी प्रोविजंस पर जब जोर दिया गया तो पता चला कि इतने सारे लोगों की मौत इसलिए हुई क्योंकि उनके लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थे, क्योंकि माना ये जाता था कि ये जहाज कभी डूबेगा ही नहीं। इसी वजह से लाइफ जैकेट्स और लाइफ बोट यात्रियों की गिनती से आधे ही रखे गए थे। प्रोफेसर मूर्ता बताते हैं कि समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिहाज से ये हादसा एक अहम पड़ाव था। टाइटैनिक हादसे के बाद इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया और प्रोडक्शन के वक्त सिक्योरिटी पैरामीटर्स का खास ख्याल रखा गया। उन्हें लगातार बेहतर और बेहतर बनाया गया, जिनका नतीजा ये हुआ कि आज के समय में रडार और सोनार काफी पहले ही आइसबर्ग जैसे आफत का पता लगाकर अलर्ट कर देते हैं। आज समुद्री यात्राओं के दौरान ओशन मैपिंग या सी वॉयजेस के चार्ट कहीं ज्यादा एडवांस है, जिनकी मदद से टाइटैनिक जैसा हादसा दोहराए जाने से बचा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको डीप रिसर्च के साथ बताया कि 113 साल पहले टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था। अब हमें कमेंट करके आप बताइए कि क्या टाइटैनिक का डूबना हादसा था या कोई गलती, और क्या आपको लगता है कि अगर कुछ सावधानियां बरती जाती तो टाइटैनिक को डूबने से बचाया जा सकता था। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।